तीन बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। पहले किसान लगा लेना, हमारा संकल्प को हमारा कर देना। जय गुरु। देखिए स्नान ध्यान चलता हुआ भूतेश्वरनाथ महादेव मंदिर और ये पूरी परिक्रमा द्वादशी। ये खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटी ट्रस्ट, ये गेट उधर से अंदर आता हुआ, ये रोज़ की तरह पूजा पाठ करते हुए, कूलर लगा हुआ पीछे से, ये गेट बनेगा इधर। और ये देखिए पूरा चक्र तीर्थ के दर्शन, भूतेश्वरनाथ महादेव मंदिर। देखिए तैर के पार करते हुए श्री भूतनाथेश्वर महादेव मंदिर में विग्रह के दर्शन, सामने से बाहर से। ये अपना गुरु नारायण धाम पितृमोक्ष धाम। अरे आज तो आपने दिए जला दिए अंदर। जय माँ का, जय बाबा बद्रीनारायण धाम। मैं आज दिए जलवा जलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पवित्र स्थल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप यहाँ करें पितरों के निमित्त, श्री बद्रीश पंचायत। श्री चक्र तीर्थ के दर्शन बद्रीश पंचायत से, श्री राधा कृष्ण मंदिर के शिखर के दर्शन। ये रास्ता बद्रीनारायण धाम को अंदर आता हुआ, वास्तव में देखा जाए तो मौसम काफ़ी भारी। ये मुख्य गेट और ये एक यजमान रोज़ की तरह बैठे हुए देखते हुए, श्री राम जय राम जय जय राम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वृक्ष जहाँ कल सत्यनारायण व्रत कथा हो रही थी, गुरुदेव जो आरती में चक्रदीप की आरती में घंटा बजाते हैं अष्टावक्र, भूतेश्वरनाथ महादेव मंदिर दर्शन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव परिवार अष्टावक्र अपने उसकी तरह जब चलना शुरू करते हैं तो पता लगता है कि अष्टावक्र है। इस तरह के लोग मैंने काफ़ी देखे हैं इस तरह के धार्मिक प्रतिष्ठानों में, लाइन लगी रहती है। ये स्थान भूतनाथ भूतनाथेश्वर महादेव मंदिर में, भूतनाथ महादेव बाल रूप में, दोपहर में चौधरी रूप में, सायंकाल में दयालु रूप में रहते हैं। देखिए अष्टावक्र जाते हुए धीमी धीमी गति से जाते हुए अब तो में देखा जाए तो ये झाड़ू सुबह लग जानी चाहिए 5:30 बजे, लेकिन इस समय लग रही है 7:45 होने को है। भूतेश्वरनाथ महादेव मंदिर के बगल से ठीक दाहिनी तरफ जो रास्ता आया है बद्रीनारायण धाम और अन्य दर्शन, जसूद गद्दी मंदिर को जाता हुआ रास्ता इधर से, और यहाँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा स्थल। भूतेश्वर महादेव के बारे में कुछ इंस्क्रिप्शन यहाँ पर, श्रृंगेरी तपस्थान गोकर्ण महादेव मंदिर। आज द्वादशी 30 जून 2023, आज का दिन भी वैसे देखा जाए तो
सभी लोगों की ज़िंदगी में ख़ास होता है, क्योंकि 30 जून वो दिन क्वार्टरली बैंकों की क्लोजिंग, वैसे कहेंगे कि क्वार्टरली क्लोजिंग का इस वीडियो क्लिप से क्या मतलब है, मतलब है आज के दिन आजकल साल में 4 बार ब्याज दिए जाते हैं खातों में, 30 जून को क्रेडिट होंगे ब्याज, लोग अपने सुविधा अनुसार खर्च करें। मौसम बहुत भारी, तुरंत भागने की ज़रूरत, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है। केवल गुरुदेव ने दर्शन करने के लिए ही मुझे ये समय दिया। ये स्थान देखिए कितना साफ जल है, यहाँ पे सभी स्थानों से साफ बिल्कुल छन के आ रहा है, कोई गंदगी नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये प्लेटफॉर्म बन के तैयार। श्री चक्रभवन बादल की आप फ्यूरोसिटी देख सकते हैं, कितने भयंकर बादल हैं। अगर बरसा तो शायद घंटों बरसेगा, और अदरवाइज गुरुदेव की कृपा हुई तो दिन भर ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल भारी, फिर रात में बारिश तगड़ी। ये रास्ता जाता हुआ श्री राम साधनारायण को सीधे, जब मैं निकला था अभी थोड़ी देर पहले, 15 मिनट पहले, तो कुछ बूंदें हल्की सी पड़ रही थी, लेकिन जाते जाते बूंदें पड़नी बंद हो गई। अब फिर से एक दो बूंदें पड़ती हुई, श्री बद्रीधाम आश्रम, बद्रीधाम नाम इसलिए लोगों को आकर्षित किया जा सके, उसके आगे होटल टूरिस्ट। बूंदें कुछ तेज होती हुई, ये उड़िया बाबा आश्रम, जहाँ की 4 चैतन्य आत्माएं अभी भी साधनारत नज़र आती हैं जब आप दर्शन करने जाएं आश्रम में। उड़िया बाबा जो कि गुरुदेव के सानिध्य में बहुत दिन रहे, दोबारा दाखिल होते हुए वापस 7 बजे हवन की तैयारियां। शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री भूतनाथेश्वर महादेव मंदिर के शिखर के दर्शन फिर से एक बार, जय बाबा भूतनाथ। अब देवशनी एकादशी के बाद धरा की जो देखभाल का दायित्व है वो महाकाल के हाथों में, ये हमारा श्री श्याम था श्री राम साधना आरण्यक की वो कुटिया, जो कि गुरुदेव ने अगर चाहा तो 2 दिन में तैयार हो जाएगी, लेकिन कुछ थोड़ी शुरू की लापरवाही दिखाई पड़ती हुई। ये 3 बन के तैयार हैं छुवाने के लिए। ऐसे देखा जाए तो कुल मिला के ये खुला ही हिस्सा बहुत अच्छा लग रहा है, शोभा बढ़ा रहा है। ये मसाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए, बूंदें बड़ी होती हुई वापस पहुंचते हुए ये ODF से निजात दिलाने के लिए बना हुआ श्री राम साधना आरण्यक का माँ गायत्री का देवस्थापना, जहाँ पे आजकल पूजा अर्चना की जा रही है, आरती भी इस स्थान पे हो रही है। जय माँ गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव की जय हो, जगन माता की जय।